मैं वहां कटाना शाह आदिल शाह जो उस समय तक शिवाजी से बहुत तंग आ चुका था, बहुत परेशान हो चुका था। इन्होंने अपने सबसे बड़े सेनापति सबसे चीफ जनरल अफजल खान को भेजा कि अफजल खान को खत्म कर दिया। अफजल खान जानता था शिवाजी एक ईमानदार आदमी है, तो उसको प्रपोजल दिया, शिवाजी मैं तुमसे अकेले मिलने आऊंगा, संधि करना चाहता हूं, अकेले मिलोगे मुझसे? शिवाजी बोले ठीक है, मुझे समस्या नहीं। अफजल खान ने बोला नियम यह है, ना तुम्हारे पास कोई सेना, ना मेरे पास कोई सेना, मैं भी अकेला, तुम भी अकेले, ना तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र, ना मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र। अफजल खान जानता था छत्रपति शिवाजी बड़े ईमानदार व्यक्ति, हाँ बोलेंगे तो वैसे ही मैं छत्रपति खड़ी हो जाएगा। उनसे ढाई मिनट लंबा चौड़ा अफजल खान आकर गले मिलने लगा शिवाजी से। अब छोटे से शिवाजी और पीछे से खंजर निकाल करके पीठ में घुसा दिया। प्रिपेयर थे शिवाजी, पहले ही प्रिपेयर थे। एक ऐसी लोहे की उन्होंने बुलेट जैकेट पहनी होती, पावरफुल उन्होंने ऐसी जैकेट पीछे अंदर बना रखी थी जिससे कितने भी खंजर डालो अंदर घुसे लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। वो जानते थे कैसा होता है, ईमानदारी पूरी रखते लेकिन प्रिपरेशन रखते। बोलते सिनेरियो अगर सी निकल आया उसकी प्रिपरेशन भी रहे, हाथ पीछे से खींचा और उनका सिंह नख बाहर निकला। और वो सिंह नख नाम का उनका चाकू होता है ना, वो चाकू शेर के पंजे जैसा इतना सॉलिड टूल को घुसाया पेट में अफजल खान का, कितनी वहां से भाग निकाल दिया। यहां रुके नहीं, इसको मारते ही अब इसकी सेना का पूरा मनोबल तोड़ दिया, उनकी मानसिक दशा को कमजोर करके उनका प्रताप गढ़ किला जीत गए।